हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम क्लास सेकंड में आपका चैप्टर नंबर 16 हाउ कैन आई गेट देयर या स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके पहले जो है आपको पिछले वीडियो में इसके पहले आपका चैप्टर नंबर 15 आपका था मार्क्स डे आउट, इसलिए आपका जो है पेज नंबर 71 पे दिया था लिंग स्पीकिंग डी आपका था यू आर इन मार्केट प्लेस विथ योर फ्रेंड, आप जो है अपने मित्र के साथ बाजार में है, ठीक है। और वहाँ पर आप जो है देयर यू मीट टीनू, और वहाँ पर आप दूसरे अन्य अदर फ्रेंड टीनू से मिलते हैं और उसको जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने फ्रेंड्स से ईच अदर, ठीक है। अपने फ्रेंड्स जो आपके पास मिलते हैं उनसे जो है उसको आप इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इससे आपका है बेला मिक माई फ्रेंड्स टीनू, वो कहती है कहता है बेला भाई मिक माई फ्रेंड्स टीनू, मेरे मित्र टीनू से मिलो, और टीनू मीट बेला, टीनू तुम बेला, ठीक है। और ऐसे आपका तो वह कहता है हेलो हाउ आर यू, हेलो बेला कहता है हेलो हाउ आर यू, तो कहता है कि तुम कैसी हो, तो आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये आपको मतलब बताया गया था। और ई था आपका ट्रेला इज वॉट अबाउट आर योर स्कूल, द टीचर आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब इट एंड ही पुट इट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो था आपका उस भैया जो है स्प्रे है लड़का है वो अपना वाटर बॉटल जो है पानी पीने वाला जो बॉटल है वो खो देता है स्कूल में, तो टीचर उससे पूछता है कि उसका डिस्क्राइब करो, यानी कि उसका वर्णन करो, कैसे तुमने खोया, कहाँ खोया, क्या किया, तो वह जो है क्या वो कैसा दिखता था, ठीक है, उसके बारे में बताओ उसके बारे में। और वह जो है उस बोले के बारे में बताता है, और टीचर जो है उस बोर्ड पर वो लिखते हैं आपका तो बताया गया था। और ऐसे ही आप जो है कि वैसे जो है उसको पेंसिल बॉक्स, मान लीजिए कि आप जो है अपनी पेंसिल बॉक्स को खो दिया है, तो आपको जो है राइट नोटिस फॉलो द वन जस्ट यू रीड, आपको जो है उसके बारे में नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखना है, ठीक है। ये आपको क्या होमवर्क दिया गया था और बताया गया था कि आपको कैसे करना है, तो ऐसा करते हैं कि आप इसको सीधे सॉल्व कर लिए होंगे। और आज जो है हम पेज नंबर 24 पे आपका दिया कंपास है चेकअप चैप्टर नंबर 16 का, चैप्टर नंबर 16 हाउ कैन आई गेट देयर, हाउ कैन आई गेट देयर, हाउ कैन आई गेट देयर, ठीक है। मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, ये आपका था यह अफसार एच कादमी के द्वारा यह राइट किया गया पोयम है, ठीक है। और आज वैसे में हम इस पोयम में सबसे पहले आपका दिया है कंपल लेखक ने आपका दिया है ए विच आर फ्लीट व्हीकल मूव ऑन लैंड, सर्किल द पिक्चर, इसके बता आपको जो है विच ऑफ दीज व्हीकल्स, इन सब व्हीकल्स में जो यहाँ पर दिए गए हैं कितने व्हीकल्स गाड़ियाँ जो दी गई है यहाँ पर, उसमें मूव ऑन लैंड कौन जो है लैंड पर यानी पृथ्वी पर जो करती है चलती है भूमि पर, लैंड मीन्स भूमि या पृथ्वी पर चलती है, उसे आपको सर्किल द पिक्चर, आपको क्या करना है उस पिक्चर को सर्किल करना है, घेरे में करना है, ठीक है बेटा। विच ऑफ दीज व्हीकल मूव ऑन लैंड, मूव ऑन लैंड सर्कल द पिक्चर, या
सर्कल द पिक्चर साधन है क्या है जो कि लैंड की चलती है भूल पर चलती है सर्कल था पिक्चर। यहाँ पर बेटा पिक्चर बने हुए हैं, उन व्हीकल्स के जो है क्या बने हुए हैं पिक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, और इन पिक्चर में से जो पिक्चर जो आपका व्हीकल पृथ्वी पर जो है भूमि पर जो है चलता है उन पिक्चर्स को आपको सर्किल में करना है। ठीक है बेटा समझ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले रिवर जो है आपका बोट बोट का है। ठीक है यहाँ पर बेटा पहले फिगर बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है, उसके नीचे उसका नेम लिखा हुआ है। ठीक है तो बोट का फिगर है और उसके नीचे का बोट लिखा हुआ है, फिर साइकिल का फिगर है, बाइसाइकिल यहाँ पर, बी आई सी वाई सी, बी आई सी वाई सी बाइसाइकिल स्वच्छता कार, नेक्स्ट आपका है एरोप्लेन, एरोप्लेन ए आर ओ पी एल एन ई एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एच बी एल आई, एच बी एल आई सी ओ पी टी आर, सी ओ पी टी ई आर हेलीकॉप्टर, एंड लास्ट का बेटा है मेट्रो एम ई टी आर ओ। एम ई टी आर ओ मेट्रो। बेटा लास्ट बढ़िया है मेट्रो या बी टी आर, इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर जो नेम लिखा गया है नेम के ऊपर, नेम के ऊपर आपका यहाँ पर संस्था जो है पिक्चर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, जैसे यहाँ पर बोर्ड लिखा है तो इसके ऊपर जो है आपका बोर्ड का फिगर है, नाम पट्टी का बना हुआ है, बाइसाइकिल यहाँ पर साइकिल का फिगर है इसके ऊपर, स्वच्छता है कार के ऊपर कार का फिगर है, एरोप्लेन है इसके ऊपर एरोप्लेन का फिगर है, मेट्रो का फिगर है, और मेट्रो के ऊपर मेट्रो का फिगर है, देखते हैं पेज नंबर 74 पे। ठीक है तो आपको उसी पिक्चर को आपको सर्किल करना है जो पृथ्वी पर यानी भूमि पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बोट, जो बोट है या क्या पृथ्वी पर चलती है तो आप कहेंगे नहीं, या जो है बोट जो है नाव जो है पानी में चलती है। ठीक है नाव कहाँ चलती है पानी में, उसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है साइकिल, बाइसाइकल बाइसाइकल बी आई एस एल ई बाइसाइकल का आपका लैंड पर यानी भूमि पर पृथ्वी पर चलती है, जिससे आप जो है आप चलाते भी हो। ठीक है बाइसाइकल चलाते हो साइकिल और वह जो है पृथ्वी पर चलती है, तो इस फिगर को जो है यहाँ पर जो बाइसाइकिल है उसके ऊपर जो फिगर है उसमें आप उसको आप सर्किल में कर दोगे, यहाँ पर जो है बाइसाइकिल क्या करेंगे सर्किल। ठीक है बाइसाइकिल जो है लैंड पर पृथ्वी पर चलती है, इसलिए हम जो है साइकिल में कर देंगे। नेक्स्ट आपका कार है सी ए आर कार में निकाल दिया आपका, तो यह कार का भी आपका पृथ्वी पे यानी कि लैंड पर जो है मूव करती है। ठीक है तो इसको भी हम क्या करेंगे साइकिल में करेंगे। ठीक है कार भी आपका जो है मूव मूव ऑन लैंड पृथ्वी पर चलती है, तो इसे जो है हम साइकिल में कर देंगे। नेक्स्ट आपको बता दिया है एरोप्लेन, हवाई जहाज एरोप्लेन जो है आपका आकाश में, ठीक है ये उड़ता है, इसको नहीं करेंगे। हेलीकॉप्टर भी आपका
आसमान टूटा है और नेक्स्ट आपको लास्ट चैप्टर दिया है मेट्रो इन ट्रेन, जो मेट्रो ट्रेन है या बेटा भी आपका कहाँ पृथ्वी पर लैंड पर चलती है, ठीक है, पृथ्वी चलती है तो उसको हम क्या करेंगे ठीक है मेट्रो या फिर दिया हो मेट्रो भी जो है आपका लैंड पर पृथ्वी चलती है इसको जो है हम इन सर्किट कर देंगे। इस प्रकार जो है आप निम्नलिखित चित्रों को यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं पीछे बने हुए हैं उन चित्रों को सर्किट में करेंगे उन व्हीकल को जो कि भूमि पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बी है विच ऑफ द एबव व्हीकल, कह रहा है विच ऑफ द एबव व्हीकल विच आर द एबव व्हीकल रन ऑन ट्रैक, टी आर एस के राइट द नेम यहाँ कागज का बी में टीवी चार सौ एवं ऊपर बोर्ड प्राइवेट मेट्रो, ठीक है। इनमें से जो है कौन कौन व्हीकल जो है क्या करता है आपका ट्रैक पर पटरी पर चलती है उसको जो है आपको लिखना है ट्रैक पटरी, ठीक है। कौन जो है रन यानी कि दौड़ती है पटरी पर, राइट नेम उनका उसका नाम लिखना है और यहाँ पर जो है आपका ब्लैंक दिया है, ठीक है। यहाँ का फिर ब्लैंक दिया है तो आप देख सकते हैं बोर्ड आपका ट्रैक पर गिरता है मेट्रो होगा ट्रेन, ठीक है। एम ई टी आर मेट्रो जो है कहाँ पर चलता ट्रैक पर चलती है पटरी पर चलती है मेट्रो लेते हैं। इस प्रकार जो है आप कंपास चेकअप में पहला आपका ए जो था ए एंड बी आप इस प्रकार छोटा कंपेयर करेंगे और नेक्स्ट नंबर दिया है सी, सी है आपका कंपेयर ऑफ मोटरबाइक एंड बाइसिकल, कंपेयर ऑफ मोटरबाइक यानी कि कंपेयर किस तरह का तुलना करना, ठीक है। कंपेयर ऑफ द मोटरबाइक एक मोटरबाइक मोटरसाइकिल या मोटरबाइक कर सकते हैं और एक बाइसिकल एक साइकिल की जो है तुलना करना तुलना की कंपेयर कंपेयर यू एम पी आई ए मोटरबाइक एम ओ टी आर बी आई के एम ओ टी ओ आर
MOTORBIKE, motorbike and a bicycle. BICYCLE, bicycle. ठीक है, एक मोटर बाइक और एक बाइसिकल की तुलना कर। और यहाँ पर देखिए आप फिगर बना हुआ है आपका मोटर बाइक और बाइसिकल का। ठीक है, यहाँ पर फिगर में आपका बना हुआ है एक मोटर बाइक है और एक बाइसिकल है। ठीक है बेटा, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और नीचे आपका जो है ये कॉलम दिया है, ठीक है, क्या क्या जो है इसमें अंतर है, आपके तुलना करने में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें जो है आपको क्या क्या जो है समानता है और क्या क्या जो है विषमता है इन दोनों में, मोटर बाइक और बाइसिकल में, वो आपको इस कॉलम में लिखने हैं। ठीक है, इसमें देखिए बेटा पहले आप क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। आपका दिया है अ मोटर बाइक इज ए नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अ मोटर बाइक इज ए नॉन लिविंग थिंग। ये जो मोटर बाइक है यह क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग, एक निर्जीव वस्तु है। नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव, ठीक है, निर्जीव वस्तु है। और इट हैज टू व्हील्स, और इसमें कितने बेटा, टू व्हील्स, दो पहिए हैं। इट हैज टू व्हील्स, इसमें दो पहिए हैं। इट इज रेड एंड ब्लैक इन कलर, और इसका कलर क्या बेटा, रेड और ब्लैक कलर। यह कलर में रंग कैसा है, किसी चीज की बात है, जो फिगर दिया हुआ है उसमें जो है यह ब्लैक और रेड कलर का है। इट रन ऑन पेट्रोल, और यह जो है चलती है कितने, पेट्रोल से, यह पेट्रोल से चलती है। कौन सा, मोटर बाइक। इट इज यूज फॉर ट्रेवलिंग, और यह जो है किसके लिए उपयोग होता है, इसका उपयोग किसके लिए होता है, ट्रेवलिंग के लिए, यात्रा करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब मोटर बाइक इज फास्ट, मोटर बाइक जो क्या होता है, तेज चलता है, फास्ट होता है। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका मोटर बाइक का क्या है कि मोटर बाइक जो है एक निजी वस्तु है, और मोटर बाइक जो है इसमें दो पहिए होते हैं, और यहाँ पर जो है रेड और ब्लैक कलर का है, और इट रन ऑन पेट्रोल, या पेट्रोल सकती है, और इट इज फॉर ट्रेवलिंग, और इसका उपयोग यात्रा के लिए करते हैं। और मोटर बाइक इज फास्ट, मोटर बाइक क्या है, तेज है, तेज चलता है। ये तो आपका मोटर बाइक हो गया। नेक्स्ट कहा जाता है ये बाइक के लिए नॉन लिविंग थिंग। अब यहाँ पे बाइसिकल के बारे में बताया गया है, बाइसिकल इज नॉन लिविंग थिंग। ये जो बाइसिकल बताया, बाइसिकल जो है यह क्या है, नॉन लिविंग थिंग, यह अभी जो है आपका नॉन लिविंग थिंग है। जैसे मोटर बाइक नॉन लिविंग थिंग था, वैसे ही अभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, निजी वस्तु है। इट हैज टू व्हील्स, और इसमें बेटा दो पहिए होते हैं, टू व्हील्स यानी कि दो पहिए होते हैं। ठीक है, और इट इज ब्लू इन कलर, यहाँ पे कलर क्या है, ब्लू है। बाइसिकल का कलर क्या है, ब्लू कलर है, नीला कलर है। और उसमें क्या था, मोटर बाइक में क्या था, उसमें आपका रेड एंड ब्लैक था, रेड एंड ब्लैक। इट इज यूज फॉर ट्रेवलिंग, क्या करने के लिए, यह भी इसका भी उपयोग जो है, इस बाइसिकल का उपयोग भी हम क्या करते हैं, यात्रा करने के लिए, ट्रेवलिंग करने के लिए जो इसका उपयोग हम करते हैं। और बाइसिकल इज स्लो, और बाइसिकल कहता है धीमा होता है। मोटर बाइक इज फास्ट बट साइकिल इज स्लो, लेकिन साइकिल क्या है, धीमा है, धीमी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है इस दोनों चीजों के बारे में, मोटर बाइक और बाइसिकल के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 74 पे यहाँ पे दिया हुआ है। और अब क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है मोटर बाइक और बाइसिकल का। और डी में जो है यहाँ पर डी में हमको इसका तुलना करना था, और डी जो जो आपका क्रिएटिव राइटिंग, आपको मोटर बाइक का और साइकिल के बारे में कैसे वो जो है डे लाइफ एक जैसे हैं और कैसे वे अलग हैं, इसको आपको लिखना है। यहाँ पे कारण दिया हुआ है डी, दिया क्रिएटिव राइटिंग, ये आपको समझ गए होंगे। डी में आपको कंपेयर करना था, आपको बता दिया गया, और डी आपका क्या है, क्रिएटिव राइटिंग। मोटर बाइक एंड बाइक मोटर बाइक
and motorbike and bicycle, motorbike or bicycle, और यहाँ पे क्या क्या how are they alike? How are they alike? You should mark. और यहाँ पे प्रश्न का है हाउ आर दे डिफरेंट, डी आई ठीक है, हाउ आर दे लाइक और हाउ आर दे डिफरेंट, ठीक है, ये आपके लिए ऐसे कलम बने हुए हैं। ये आपका किस तरह जो है ये कहते हैं, ठीक है, हाउ आर दे लाइक और किसको लिखना है और हाउ आर दे डिफरेंट, ये किस तरह से जो है एक दूसरे से भिन्न है, आपको उसको लिखना है क्या क्या अंतर है इसमें और कैसे जो है किसी के समान है, समान है जैसे साइकिल भी आपका ट्रेवलिंग करने के लिए है और मोटर बाइक भी ट्रेवलिंग करने के लिए है, आप उसमें लिखेंगे। उसके बाद यह दोनों लॉन्च थिंग्स हैं, ठीक है, तो उसमें लिखेंगे दोनों लॉन्च थिंग्स हैं और यह ठीक है, तो इस प्रकार जो इसमें भी दो व्हील्स हैं, तो दो पहिए इसमें हैं, दो पहिए उसमें भी लिखेंगे, ठीक है, क्लियर करते हैं। और कैसे डिफरेंट है, यह जो है फास्ट है या स्लो होता है, यह आपका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार जो इसमें आपके वन वन टू थ्री फोर ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये आपका तो इसको जो है आपको कंपेयर करके जो सी दिया है कंपेयर मोटर बाइक एंड वेस्किल, यहाँ से आपको समझाया गया है कैसे कैसे यह एक दूसरे से एक के समान है और कैसे कैसे एक दूसरे से यह भिन्न है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर ट्रिपल राइटिंग जो भी है आपका मोटर बाइक एंड बाइसिकल, हाउ आर दे लाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट, ये जो है आपको होमवर्क रूप में बेटा कम्प्लीट करना है, ठीक है। आपको अच्छे से बता दिया गया कि कैसे कैसे आपको लिखना है, जो लाइक होंगे जो कैसे होंगे उसको लिखना है, जो डिफरेंट होंगे जिस प्रकार से उसको जो है आपको हाउ आर दे डिफरेंट उस कॉलम में लिखना है, ठीक है। ये जो है आपको भी आपको लिखना है, ये आपको करेंगे बेटा, ये आप जो है होमवर्क के रूप में इसे कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इसके आगे आपका दिया है कि फाइंड इन दिस पजल द नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, करा फाइंड दिस पजल, इस पजल में जो है आपको क्या ढूंढना है बेटा, द नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट्स के नेम को जो है फाइंड करना है। और एफ है आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसन व्हाइल योर टीचर रीड्स दिस सेट ऑफ वर्ड्स, put a circle around the word that does not ring, the first one is jhari, ye aapko jo hai e aur f, theek hai, page number 25 pe e f aur g bata hua hai, ye jo hai aapko next video karaya jayega, tab tak ke liye bye bachcho and take care।